नमस्कार, मैं हूं जिया और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा पठारी में बेटे के बाद मां भी निकली कोरोना पॉजिटिव। मध्य प्रदेश के पठारी में नगर का दूसरा और तहसील का तीसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पहले जो व्यक्ति पॉजिटिव मिला था, अब उसकी मां भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके बाद अब पठारी प्रशासन हाई अलर्ट पर है और लोगों को कोविड 19 की गाइडलाइन का पालन करने की समझाइश दी जा रही है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर ने 17 लोगों के सैंपल लिए हैं। बता दें कि इससे पहले भी जो 20 सैंपल लेने की जानकारी मिली थी वह सच नहीं पाई गई है। पहले सिर्फ 2 लोगों के ही सैंपल लिए गए थे। प्रभारी तहसीलदार चंद्र कुमार ताम्रकार ने बताया कि 22 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव युवक की माँ कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अमले से कोरोना पॉजिटिव महिला को एम्बुलेंस से अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज विदिशा भेज दिया गया है। रविवार को नगर में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने 20 लोगों की जांच की सूची जारी की थी, जबकि विभाग ने केवल मरीज की मां और बहन के ही सैंपल लिए थे, जिससे उसकी मां पॉजिटिव पाई गई। इतने गंभीर मामले में भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही करने से नहीं चूका। स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर शुरू से ही सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर विदिशा के लोगों का कहना है कि वैश्विक महामारी के दौरान भी सरकारी अस्पताल पर अपनी लापरवाही और मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक हमीद खान ने बताया कि पहले गलती से सूची जारी कर दी गई थी, जबकि 2 लोगों से ही जांच की गई है। इसके बाद अब 17 लोगों की जांच की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की ये रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। पठारी में कस्बे में ये दूसरा है, लेकिन पठारी तहसील क्षेत्र में तीसरा, जो पहले से ऑलरेडी थे। तो अभी 3 दिन पहले रविवार को कलीम नाम का व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला था, जिनके परिवार वालों के सैंपल लिए गए। आज उसकी माँ सलमा भी कोरोना पॉजिटिव आई है। जैसे गुरुवाई से डॉक्टर की टीम आई, तहसीलदार महोदय मैं था, सारा एरिया दोबारा से सैनिटाइज कराया गया और आसपास वाले 17 लोगों की कुल सैंपलिंग कराई गई। और जो कोरोना पॉजिटिव महिला निकली है सलमा की, उनको एम्बुलेंस के माध्यम से विदिशा जिला चिकित्सालय रवाना किया। स्थानीय लोगों को आपका क्या अपील है, क्या है सुझाव? स्थानीय लोगों को लगातार हर माध्यम से समझाया जा रहा है कि आपसी दूरी बना के रखें, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाए रहें, हाथों को लगातार धोते रहें, एक दूसरे से बात करते समय पर्याप्त दूरी का ध्यान रखें। बिना हम व्यापारी बंधुओं को समझा रहे हैं कि बिना मास्क के ना तो सामान दें, ना ही किसी ग्राहक को अपने दुकान पर बिना मास्क के आने, और दुकान के सामने भी एक बैरिकेड लगाएं, रस्सी लगाएं, जिससे एक प्रॉपर डिस्टेंस बन सके ग्राहक और दुकानदार के बीच।